सीजन 12 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि जुड़ी हुई है पवनदीप राजन से। इंडियन आइडल सीजन 12 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड की शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ कुछ भाग की शूटिंग में बहुत सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के महाराज शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ सभी कंटेस्टेंट्स का साथ दे रहे हैं और सभी कंटेस्टेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं ग्रैंड फिनाले एपिसोड की शूटिंग को लेकर। लेकिन ग्रैंड फिनाले एपिसोड की शूटिंग करते करते पवनदीप राजन काफी ज्यादा भावुक हो गए। अपने लास्ट परफॉर्मेंस करते करते वो लिरिक्स जो है पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब आज हम आपको बताते हैं दोस्तों कि किस वजह से इमोशनल हुए पवनदीप राजन और किस वजह से अपना गाना जो है पवनदीप राजन भूल गए लास्ट परफॉर्मेंस के दौरान। ये सारी की सारी बातें पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में खास। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बता दें दोस्तों कि ग्रैंड फिनाले एपिसोड 15 अगस्त 2021 की शाम होने वाला है। पवनदीप राजन काफी सारे शानदार परफॉर्मेंस देंगे और साथ ही साथ पवनदीप राजन जो है शो का अंतिम, मतलब शो का जो लास्ट परफॉर्मेंस है वो पवनदीप राजन ही करने वाले हैं। ऐसे में पवनदीप राजन शुरू, मतलब गाने को शुरू करने से पहले काफ़ी नर्वस थे और साथ ही साथ नर्वस क्यों थे ये भी हम आपको बताएंगे। पवनदीप राजन अपना लास्ट गाना जो है जैसे ही शुरुआत करते हैं वो वैसे ही वो मुखड़ा तो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से गा लेते हैं, लेकिन अंतरा में आते आते एक बार फिर उनकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा जाती है, एक बार फिर वो लिरिक्स भूल जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो काफ़ी इमोशनली परेशान दिखाई दिए। अब वो इमोशनली परेशान क्यों दिखाई दिए तो हम आपको बता दें कि बीते 10 महीनों से एक साथ हैं सभी के सभी कंटेस्टेंट, जितने भी टॉप 6 कंटेस्टेंट है, हर किसी कंटेस्टेंट की कोई ना कोई बॉन्ड जरूर बन गई है सभी कंटेस्टेंट्स के साथ। जैसे कि पवनदीप राजन और नीता कांजीलाल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं सभी कंटेस्टेंट्स के साथ, उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और उन्हें ये लग रहा था, हमारे सोर्सेस हमें ये बता रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पवनदीप राजन को ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट परफॉर्मेंस है, लास्ट परफॉर्मेंस के बाद सुबह कहीं और होगी, सभी कंटेस्टेंट दिखाई नहीं देंगे। और साथ ही साथ यही सब चीज़ें जो हैं वो सोच कर काफ़ी परेशान दिखाई देने लगे और साथ ही साथ वो काफ़ी इमोशनल होते हुए दिखाई दिए दोस्तों। और इसी वजह से इमोशनल होकर अपना लास्ट परफॉर्मेंस के दौरान अपने लिरिक्स जो हैं वो भूल जाते हैं पवनदीप राजन। तो ये बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है ग्रैंड फिनाले एपिसोड से जुड़ी। वेल, काफ़ी इमोशनल एपिसोड आने वाला है, साथ ही साथ किसी एक कंटेस्टेंट पर सरताज भी चढ़ेगी, यानी कि ताज भी वो पहनेगा, विनर की भी घोषणा होगी 15 अगस्त 2021 की शाम। वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले भी पवनदीप राजन एक दो बार जो है वो लिरिक्स भूल चुके हैं, वो काफ़ी इमोशनल एपिसोड था क्योंकि पवनदीप राजन और उनकी बहनें, उनका परिवार पूरा का पूरा काफ़ी इमोशनल है। तो सभी कंटेस्टेंट को याद कर करके वो भावुक हो गए और अपने लास्ट परफॉर्मेंस के दौरान गाने की लिरिक्स जो हैं वो भूलते हुए दिखाई दिए। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।